सर आपका नाम क्या है? दुल्ले सिंह राठौड़। दुल्ले सिंह जी राठौड़ हैं और इनके यहाँ पर कितने साल पहले लगे हुए हैं? 5 साल पहले लगे। 5 साल पहले यहाँ पर सोलर लगाए हैं। तो अब अपन जान लेते हैं यहाँ पर कि 5 साल पहले किस कंपनी के सोलर लगे और क्या प्रोसेस रही है वहाँ पे, क्या सब्सिडी मिली है या नहीं, और सब्सिडी के लिए क्या क्या करना पड़ा इनको। तो 5 साल पहले क्या रेट थी और आज क्या रेट है, ये आज अपन देखने वाले हैं। और इन सोलर से क्या पानी की मोटर चल रही है और कितना पानी दे रही, वो सारा फीडबैक लेंगे। तो सर आप बताइए, ये 5 साल पहले आपको मतलब लगाया है तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ी? एक तो खाते की नकल, जमाबंदी की नकल, हाँ, नक्शा, हाँ, और अपना फोटो, हाँ, कोटेशन, हाँ, ये लगा कर उद्यान विभाग में देना। अच्छा, उद्यान विभाग में देना पड़ा। पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, हाँ, हाँ, अब ऑनलाइन करानी पड़ती है फाइल। और ये अपने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ये कार्ड सब लगा करके फिर उद्यान विभाग में अपन इसको सबमिट करते हैं, देते हैं उनको। तो फिर वो आकर के अपने जो भी जिसका अपन कोटेशन लगाते हैं वो कंपनी वाले आकर के उस स्थान को पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं, फिर आकर के जो वो अपना माल दे देते हैं। उद्यान विभाग यानी कृषि विभाग? हाँ, कृषि विभाग में दो पास है, एक उद्यान विभाग और एक एक्सटेंशन विभाग। अच्छा, तो ये उद्यान विभाग के बगीचे काम भी करते हैं और सोलर पंप का काम भी करते हैं। अच्छा, उद्यान विभाग में बगीचा और सोलर, हाँ, और ये जो एक्सटेंशन विभाग है उसमें? उसमें केवल टेक्निकल जानकारी, टेक्निकल जानकारी मिलेगी सिर्फ उसमें, टेक्निकल जानकारी उसमें। काश्तकारों को जैसे पानी बचाना है तो पाइप कितना लेना है, उस पर क्या सब्सिडी है, काश्तकार को मैक्सिमम कितने पाइप मिलते हैं, ड्रिप कैसे लगानी है, फव्वारा कैसे लगाना है, फव्वारे से पानी कैसे बचाना है, ये सब एक्सटेंशन का काम है। अच्छा, तो पहले आपके कृषि विभाग में कोई पोस्ट थी आपकी? हाँ, मैं कृषि विभाग में पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर था। अच्छा अच्छा, तो फिर वहाँ ये हम काम हमने खूब किया ये सर्कल में जी, और बिंडर पंचायत समिति में ज्यादा रहा मैं। अच्छा, बिंडर पंचायत समिति से? हाँ, उदयपुर जिले से बिंडर पंचायत समिति में रहा मैं जी। और मैंने खुद पे लगाया, फिर मैंने ड्रिप भी लगाई और सोलर भी लगाया। आपको ये आइडिया कैसे आया कि सोलर लगाना चाहिए? सोलर लगाने से एक तो नाइट को जो थ्री फेज लाइट आती थी पहले, हाँ हाँ, तो वो उससे अपन बेनिफिट मिलता है। अच्छा, मतलब नाइट में अगर अपन जो सिंचाई वगैरह करेंगे तो उसमें जीव जानवर वगैरह, हाँ, उसका बेनिफिट आपको फर्स्ट मिला है? सांप वगैरह उसमें अगर खेतों में आते हैं तो एक तो बेनिफिट हुआ है जी। दूसरा, सर्दियों में अगर अपन सिंचाई करते हैं तो उसमें ठंड लगती है, और ये बिल्कुल सुबह 7 बजे से लगा के शाम को 6 बजे तक ये सोलर वाला चलता रहता है। 7 बजे से 6 बजे तक आपका कंप्लीट मोटर चलती रहती है? कंप्लीट मोटर चलती रहती है जी। और पानी इसका अपेक्षा करते अपने जो एसी मोटर हैं उनसे पानी कुछ कम है, कम देती है। अगर अपन डीसी मोटर लगा रहे तो वहाँ पर पानी कम है या फिर एसी मोटर में भी कम है? एसी मोटर लगाएंगे तो भी उस पर हेड पे डिपेंड करता है, और सोलर पे जो पानी है वो अपेक्षा करते एसी से डीसी वाला पानी कम देगा। अच्छा, मतलब जो आपका जो बोरिंग है उसके डेप्थ पे डिपेंड करेगा, मतलब जितना गहराई पे पानी अगर है। ये 30 मीटर पे अपन देते हैं जी, 30 मीटर इसका हेड या अगर मोटर का, और उस पर अपन चलाते हैं तो पानी अच्छा देगा। अगर जो आप 50 मीटर या 70 मीटर के इसमें रेंज है जी, 30 मीटर वाले की अलग सब्सिडी अलग है जी, और कोटेशन अलग है, बिल अलग है। 50 मीटर का बिल और सब्सिडी अलग है, 70 मीटर में बिल और सब्सिडी अलग है। तो जितना अपन हेड ज्यादा लेंगे तो फिर पानी वो कम देगा। अच्छा जी, ये एक चीज बताइए, मतलब आप 5 साल पहले लगाया था तो उसके लिए 2014-15 में तो किस कंपनी के ये सोलर लगे थे? ये टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी जी। तो इसके लिए आपको फिर कोटेशन कितना बनाना पड़ा और क्या सब्सिडी रही? कोटेशन लगाया हमने 6,50,000। 6,50,000 का? 6,50,000 का कंपनी ने, टाटा कंपनी ने कोटेशन दिया जी। और फिर उन्होंने 10,000 रूपए हमारे फाइल के साथ में एडवांस लिए, जो उद्यान विभाग के नाम से ही उसका ड्राफ्ट बना जी जी। ठीक जी। फिर बाकी जो रिमेनिंग राशि थी वो उन्होंने हमारे माल सप्लाई होने के बाद पेमेंट दिया, और जो सब्सिडी आई वो सब्सिडी डायरेक्ट कंपनी खाते में गई। अपने से कंपनी ने मतलब सब्सिडी काट के ही पेमेंट लिया? सब्सिडी काटने के बाद भी पेमेंट लिया हमने 1,80,000। फर्स्ट में आपको 10,000 पे करने पड़े, उसके बाद में 1,70,000 और पे किए, 1,70,000 और पेमेंट कर दिया। और टाटा कंपनी के सोलर लगे? टाटा कंपनी का सोलर। कितने किलोवाट का सोलर है? 5 किलोवाट। 5 किलोवाट के? 300 वाट के एक पैनल है? 300 वाट के एक पैनल है, और ये सोलह पैनल है। और उसके बाद में 5 साल में आपको कोई दिक्कत आई सोलर से? दिक्कत जिसमें आती है, एक तो इनकी जो गारंटी लेते हैं 5 साल की जी, और गारंटी के साथ में काश्तकार का बीमा भी होता है इसमें जी। अब क्या है कि इनका हेडक्वार्टर है जयपुर जी, और एक टेक्नीशियन को ये देते हैं 3-3 जिले
जी, और तीन जिलों में वो अपना जो सर्विस देते हैं तो सर्विस में कहीं ना कहीं उनका दिक्कत आती है, टाइम नहीं आ पाते जी। तो ये प्रॉब्लम जो सब्सिडी में गवर्नमेंट के थ्रू लग रहे हैं वहाँ पे लगते हैं या फिर जो प्राइवेट लगा रहे हैं उनकी तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं होगी? प्राइवेट कोई लगा ही नहीं रहा है अपने। अच्छा, अपने इस एरिया में तो 5 लाख 6.5 लाख रुपया कोई लगा नहीं सकता। जी 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 जी, बहुत से रेयर केस में अगर कोई है कि भाई उसका कनेक्शन नहीं हो रहा है, उसने बोर करवा दिया है, अगर उसके पानी ज्यादा हो गया है तो भली वो चाहे कि भाई हम ये केस से काम करें, बाकी सब्सिडी के आधार भी है और जो उसकी सर्विस है जो आपस जो इसकी खराब होता कोई तो उसमें सर्विसिंग उनकी अच्छी नहीं है। टाटा कंपनी की आपको मतलब पैनल की 5 साल की वारंटी? हाँ, 5 साल की वारंटी। अभी जो पैनल दे रहे हैं वो 25 साल के, तो मे भी 25 साल ये इतने रहेंगे नहीं रहेंगे, आपका क्या कहना है? अभी 25 साल के दे रहे हैं, हमारे को मालूम है नहीं, अगर 25 साल के दे रहे हैं तो बढ़िया है। तो आपके 5 साल में तो कोई दिक्कत आई इस पैनल में? 5 साल में दिक्कत आई, हमारा स्टार्टर 2-3 बार खराब हो गया, जल गया था। हाँ, जल गया था। जयपुर भेजा इसको, जयपुर से आने में कम से कम 15 दिन लगे जी, तो 15 दिन हमने को पानी की व्यवस्था और करनी पड़ी जी जी, दूसरी मोटर से पानी के खेतों में पानी जाना पड़ा जी। हाँ, मतलब गेहूं की अगर पिलाई चल रही है, गेहूं के पकने का टाइम है, तब वो खराब हो जाए बहुत दिक्कत आ जाती है, ये एक माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट है इसका, क्योंकि इसका यहाँ अपने तहसील हेडक्वार्टर पे अगर इसका रिपेयरिंग करने का काम हो तो वो काजकार के लिए बेनिफिट है, अगर आप जिले पे हो तो मुश्किल है, काजकार को वहाँ जाना और आना और वापस उसको माल लाना और देना, और ये तो जयपुर जाता है, जयपुर से वापस वो कहीं यहाँ के हैदराबाद में भेजते हैं, और अगर कुल मिला करके जो मेंटेनेंस इसकी है वो सर्विस अच्छी नहीं है। सर्विस अच्छी नहीं लगी आपको? टाटा कंपनी के सर्विस अच्छी नहीं, टाटा कंपनी की, टाटा कंपनी, बाकी कंपनी के तुमने काम पड़ा नहीं। अच्छा अच्छा, क्या सर्विस अच्छे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बाकी टाटा कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है, बाकी ये प्लेटें बहुत बढ़िया है और स्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम। कभी मतलब तेज आंधी तूफान आए तो? आंधी तूफान तो खूब आए 5 साल में, मगर इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग कहते हैं भाई को वले से टूट जाते हैं, कभी आपके वले से टूटे? वले से, बंदर से नहीं टूटते, बंदर से भी नहीं टूटते, वले से भी नहीं टूटते, मतलब आंधी तूफान में तो कई पत्थर पत्थर उड़ गया है तो भी नहीं टूटते ये। और स्ट्रक्चर ये जीआई का लगा हुआ है ना? जीआई का, बहुत स्टैंडर्ड मजबूत है। अच्छा, स्टैंडर्ड है, कम से कम 10 क्विंटल वजन होगा। अच्छा, 10 क्विंटल वजन ने इस पे उठा रखा है, इस पे पूरा का पूरा 1 टन वजन, 1 टन। अच्छा, तो ये जो केबले लटक रही वो ऐसे कैसी लटकाई है? फिर बस ऐसे लटक, ऐसे ही लटकी है, तो ये भी इनकी मतलब एक इन्होंने मतलब सही काम नहीं किया है, ये मतलब अच्छे से अगर पैक करते तो और अच्छा रहता है ना? हाँ, वैसे ये पैक है, इसकी 4 दीवारी बना रखी है उन्होंने, फेंसिंग कर रखी है जी, तो अंदर तो कोई आता नहीं है। अच्छा, ये मतलब ये उन्होंने की है सारी फेंसिंग? उन्होंने कंपनी वाले ने की जी जी जी। और इसके साथ में हमारे को घर में 2 बल्ब एलईडी बल्ब दिए और एक बैटरी दी। बैटरी बड़ी या छोटी? छोटी बैटरी, छोटी बैटरी। और वहाँ घर के लिए भी सोलर दिया क्या आपको? घर के लिए मतलब कुएं पे ही लिए, कुएं के लिए है वो, कि कुएं पे अगर आपका मकान है जी तो उसमें रात को लाइट के लिए ये। अच्छा, एक छोटी बैटरी और एक अलग से पैनल दे दिया आपको, कुएं के लिए लगा सकते हो आप, 50 या 37 वाट का है। तो इस पैनल के साथ में आपको इन्वर्टर वगैरह कुछ दिया? इन्वर्टर नहीं दिया। तो क्या है, डायरेक्ट डीसी मोटर? डायरेक्ट डीसी मोटर ही है और डीसी चलती है इससे, अगर एसी चलानी है तो उसके लिए उसका पेमेंट भी अलग है, सब्सिडी अलग है। अच्छा, सब्सिडी अगर आप एसी साथ में लेते हैं तो एसी डीसी दोनों चलाते हैं तो उसके लिए कंट्रोलर, ये कंट्रोलर कहलाता है अपने लोकल लैंग्वेज में, इसको स्टार्टर कहते हैं। जी जी जी, इस स्टार्टर में एक स्विच होता है इसका ऑन ऑफ। अच्छा, ये ऑन और ऑफ का है? ये ऑन ऑफ है, नीचे कर दिया तो ऑफ हो जाती है और अगर अपन को ऊपर कर देते हैं तो ऑन हो जाती है। ये ऑन हो गया अभी? हाँ, तो यहाँ लिखा होता है सिस्टम ऑन, पंप ऑन, वाटर सोर्स कितना है, लो है कम है, टैंक फुल है कि नहीं है, जो भी है इसमें, ये सब इसमें। ये वाटर सोर्स मतलब पानी है बोरिंग में? पानी बोरिंग में है कि नहीं है, और इसमें सेंसर लगा होता है, अगर पानी कम पड़ जाता है तो ये मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है जी। ये बैटरी लो का? हाँ, बैटरी लोग का मतलब पहले अपने जैसे दिन अस्त हो गया तो पंप नहीं चलेगा। अच्छा, जब मतलब सूर्य अस्त हो गए? हाँ, सूर्य अस्त होने के जब पंप नहीं चलेगा तो यहाँ पे बैटरी लो वाले ये लाइट चल जाएगी? हाँ, बैटरी लो वाली लाइट चल जाएगी जी, और अपना ये सिस्टम बंद हो जाएगा जी। मतलब इसमें ये पैनल और इतना सही है, बंद करने की जरूरत नहीं है पहली बात इसको। अच्छा, अगर नेट को भूल जावे तो भी कोई बंद करना आवश्यक नहीं है, वापस सुबह 7 बजे चल जाएगी जी 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 ऑटोमेटिक। और उसके बाद में ये जो कैसे क्या है ये स्ट्रक्चर में? ये स्ट्रक्चर को घुमाना पड़ता है मैनुअली, इसको डायरेक्शन लेना पड़ता है, इसका मैनुअली डायरेक्शन लेना पड़ता है। मैनुअल कैसे डायरेक्शन लेते हैं थोड़ा सा आप बताना? ये इसमें हैंडल है जी, तो जैसे अभी पश्चिम में
ये नष्ट हो रहा है ये, हाँ हाँ हाँ, तो अपन इसको यूं घुमा सकते हैं जी। अच्छा, सिर्फ इसको हैंडल को घुमाना है अपन को? हाँ, केवल हैंडल घुमाएंगे, प्लेटों को ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर पूरा घूम जाएगा। जी जी जी। अभी देखिए, ये जो है वो मैन्युअली इसे घुमाना पड़ता है, अभी वाला जो ऑटो है ना, हाँ, इसको ऐसे घुमाना पड़ता है। हाँ, अभी जैसे इसको पूर्व में लेना है तो इस राउंड में घुमाना है, और उधर पश्चिम में लेना है तो उस राउंड में घुमाना है। पूर्व में लेना मतलब मॉर्निंग में इस राउंड में, मॉर्निंग में, और फिर पश्चिम में लेना है अपन शाम को, इस राउंड में घुमाना है अपन को, तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन ले लेगा। जी जी जी, ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन ले लिया। देखिए आप, पूरा मतलब पश्चिम की तरह ये हो गया है, और अभी जो धूप आ रही है वो सीधे इसके ऊपर आ रही है, इसके ऊपर आ रही है जी। और जैसे ही मतलब मॉर्निंग होगा फिर आपको मॉर्निंग में फिर आपको ये वापस इससे घुमाना है, प्लेटें घुमानी पड़ेगी जी। और ये पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर इधर घूम जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी ऑटोमेटिकली है ना? अभी ऑटोमेटिकली नहीं है, ऑटोमेटिकली उसमें पैसा और सब्सिडी दोनों अलग अलग। अच्छा, पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है? ज्यादा देना पड़ता है, सब्सिडी उसमें ज्यादा है। जी जी जी। और ये मैनुअल करते हैं तो खर्चा कम है, सब्सिडी कम है। जी जी। और तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और कोई दिक्कत नहीं, बाकी काम बढ़िया इसका, बाकी कोई भी सोलर लगावे, किसी भी कंपनी का लगावे, कोई भी अच्छी कंपनी हो उसका लगावे तो है, तो बेनिफिट है। रात को पानी बंद करनी, एक तो सिंचाई करते हैं तो उसमें फायदा, दूसरा अपने लाइट के लिए इंजॉय करने की परेशानी। हाँ, जब आओ तब अपन पानी चलाओ, अपने जब इच्छा है तो चला दो, घर जाने बंद कर दो। ये बढ़िया सिस्टम, दिन में ही काम करना है, दिन दिन को ही काम करना है, रात को काम नहीं करना। जी जी जी, ये सिस्टम है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा है। ये हमारे सर कृषि विभाग से हैं, तो इन्होंने सोलर की जानकारी दी है। ये सोलर 5 साल पहले लगाए हुए हैं, और 5 साल पहले इनको 70% इनको जो डिस्काउंट सब्सिडी मिली थी, और उसके बाद में आज 5 साल हो गए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, और टाटा सोलर के पैनल है। और तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए मेहमान है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का निशान दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो देख सके और सोलर एनर्जी से भरपूर भरे रहें।